सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ड। दोस्तों, बहुत दिनों से व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियोस में माउस कैसे यूज करते हो एंड माउस का बिगर पॉइंटर कैसे यूज करते हो। एंड दोस्तों, अगर आपका मोबाइल माइक्रो यूएसबी पोर्ट को सपोर्ट करता है या टाइप सी पोर्ट को सपोर्ट करता है, आपने मोबाइल के साथ माउस को कैसे अटैच करना है एंड कैसे बिगर कर्सर की ऑप्शन को अनेबल करना है, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मेरे पास टू मोबाइल्स हैं। लेफ्ट मोबाइल सपोर्ट करता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट को एंड राइट मोबाइल सपोर्ट करता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट को। दोस्तों, माइक्रो यूएसबी मोबाइल के लिए आपके पास इस टाइप का कनेक्टर चाहिए, जिसको आपने यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना है। एंड दूसरा, टाइप सी के लिए आपके पास इस टाइप का कनेक्टर चाहिए जो टाइप सी के लिए कंपेटिबल हो। उसके बाद आपके पास माउस होना चाहिए, जो हमारे पास नॉर्मल माउस होता है, हम पीसी में यूज करते हैं इस टाइप का माउस, या फिर आप वायरलेस माउस को भी यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये वायरलेस माउस है। दोस्तों, पहले हम लेफ्ट फोन में माउस को यूज करेंगे, जो वीवो का फोन है, इसमें एंड्रॉयड 6.0 है, और बाद में हम रेडमी के फोन में यूज करेंगे जो टाइप सी को सपोर्ट करता है, इसमें एंड्रॉयड 9 की सपोर्ट मिलती है। इस टाइप से अपने माउस की जो वायर है उसे कनेक्ट कर देना है। जैसे आपके माउस की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आपको यहां पे रेड कलर की लाइट शो होगी। जैसे यहां पे रेड कलर की लाइट शो हो जाएगी, इट मींस आपका माउस प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी मेरे पास रेड कलर की लाइट यहां पे शो नहीं हुई। आपने अपने फोन से सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके पास यहां पे शो होगा ओटीजी। दोस्तों, आपने ओटीजी फाइंड करना कि आपके फोन में कहां पे है। उससे पहले मैं माउस को ऑपोजिट साइड में रोटेट कर रहा हूं। अभी ओटीजी को आपने यहां पे ऑन कर देना है। जैसे ही आप ओटीजी को ऑन कर दोगे, बैक साइड पे जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो इस टाइप से अभी आपका जो माउस है वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी यहां पे भी माउस की वर्किंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद आपने बिग पॉइंटर के लिए बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी। जैसे इस फोन में मेरे पास मोर पे क्लिक करने के बाद बॉटम पे एक्सेसिबिलिटी शो हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी को ओपन करने के बाद आपको यहां पे शो होगा माउस पॉइंटर। दोस्तों, इस फोन में बिगर पॉइंटर यूज करने की ऑप्शन नहीं आ रही, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई फोन्स में ओटीजी को ऑन ऑफ करने की ऑप्शन भी एक्सेसिबिलिटी में ही मिलती है। दोस्तों, अभी हम सेकंड मोबाइल में देखेंगे जो टाइप सी को सपोर्ट करता है। आपने इस टाइप से कनेक्टर को यहां पे कनेक्ट कर देना है। कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद आपने माउस की वायर को यहां पे इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इस मोबाइल में डायरेक्टली ऑन हो गया। यहां पे मुझे ओटीजी को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो आप वायरलेस माउस को भी यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आपके पास वायरलेस माउस है तो वायरलेस माउस को भी आपने ऐसे ही पहले कनेक्टर को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने रिसीवर को कनेक्ट करना है, जो वायरलेस माउस का रिसीवर होता है। जैसे आप वायरलेस माउस के रिसीवर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप इस टाइप से इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, बिगर पॉइंटर को यूज करने के लिए आपने सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एडिशनल सेटिंग के अंडर शो हो रही है एक्सेसिबिलिटी। तो आपने एक्सेसिबिलिटी को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा लार्ज माउस कर्जर। तो आपने यहाँ लार्ज माउस कर्जर को जैसे ही आप ओके कर दोगे तो आपके माउस का कर्जर लार्ज हो जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अपने फ़ोन की सेटिंग में सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे टाइप करना है माउस। जैसे आप माउस टाइप करोगे तो यहां पे आपको शो हो जाएगा लार्ज माउस कर्सर। एंड उसके बाद आप यहां पे इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आप ऑफ करोगे तो माउस का कर्सर है वो स्मॉल में कन्वर्टर हो जाएगा। जैसे आप लार्ज माउस कर्सर को इनेबल करोगे तो माउस का पॉइंटर बिगर साइज में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी टेक्निक क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।